अच्छा फ्रेंड्स पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से बताया और आप लोगों ने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन में फ़ोटोग्राफी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी तक हम एक बात तो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हमें फ़ोटोग्राफ्स का सहारा लेना पड़ता है अच्छा अब यहाँ पे एक मसला ये आता है दोस्तों कि हम अपने टॉपिक के लिए अच्छी सूटेबल और आइडियल फोटोग्राफ किस तरह से सेलेक्ट करें तो चलें यहाँ पे मैं अब आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ अपने डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अपने डिज़ाइंस में बहुत सूटेबल पिक्चर्स हैं वो सिलेक्ट कर सकेंगे और अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बना सकेंगे दोस्तों पहली टिप जो मैं आप लोगों को इस हवाले से देने जा रहा हूँ वो ये है कि कोशिश करें कि जब भी डिज़ाइन बनाएं हाई क्वालिटी के इमेजेस यूज़ करें दोस्तों आप लोगों को पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन एक कमर्शियल आर्ट है और ग्राफिक डिज़ाइन में हम जो डिजाइंस बनाते हैं उनको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है और आम लोगों तक मासस तक पहुँचाया जाता है लिहाज़ा फ़र्ज़ कर रहे कि आपके क्लाइंट ने आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए कहा और आपने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लिया लेकिन आपसे सिर्फ एक गलती अगर हो गई कि आपने उसमें जो इमेजेस यूज़ किए वो लो रेजोल्यूशन के या स्मॉल साइज़ के यूज़ किए तो इसका नुकसान ये होगा कि जब वो पोस्टर प्रिंट होने लगेगा तो प्रिंट होने के बाद उसमें वो जो लो रेजोलूशन का इमेज होगा वो उस डिज़ाइन की ओवरऑल आउटलुक को डिस्टर्ब कर देगा इस तरह से आपने जो डिज़ाइन के ऊपर मेहनत की वो ज़ाया हो जाएगी तो दोस्तों कोशिश करें कि हमेशा अपने डिज़ाइन के अंदर हाई रेजोल्यूशन के और बड़े स्केल के इमेजेस को यूज़ करें इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको इस हवाले से देना चाहता हूं वो ये है कि कोशिश करें कि आप हमेशा अपने टॉपिक से रेलिवेंट इमेजेस का इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर अगर आप एनिमल फूड से रेलिवेंट कोई भी ब्रोशर या पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एनिमल्स के इमेजेस यूज़ करने चाहिए इसी तरह से अगर आप कार्गो के लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको कार्गो से रेलिवेंट इमेजेस यूज़ करने होंगे अगर आप एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो फिर आपको स्काई के और जहाज़ों के जो विजुअल्स हैं वो आपके लिए कारामत साबित होंगे अच्छा इसी तरह से एक और मैं आपको टिप देता चलूं। दोस्तों ख़ास तौर पर जब हम किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आम तौर पर हम एक गलती करते हैं और वो ये कि हम प्रोडक्ट के इमेजेस तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो दोस्तों याद रखें कि आपके डिजाइंस को वो इमेज ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं जिनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट जो है वो मौजूद हो अच्छा इसी तरह से बात हमने ह्यूमन एलिमेंट की की है तो बात करते चलें साथ ही ह्यूमन फीलिंग्स की भी दोस्तों एक और टिप ये है कि आप अपने इमेजेस को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं बहुत ड्रामेटिक बना सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप उनके अंदर ऐसे इमेजेस को यूज़ करें जो इमेजेस ह्यूमन फीलिंग्स को शो करते हों ह्यूमन फीलिंग्स के साथ साथ आप वो इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मेमोरीज को शो करते हों या किसी भी ऐसे इवेंट को शो करते हों जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो इसके अलावा दोस्तों एक और ज़रूरी बात यहां पे देखने की ये है कि बाज़ क्लाइंट्स और बाज ब्रांड्स की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि वो कुछ ख़ास किस्म के इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं और कुछ ख़ास किस्म के इमेजेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि जब आप क्लाइंट से ब्रीफ लें तो कोशिश करें उससे पूछ लें कि वो किस तरह के इमेजेस को जो है वो यूज़ करना चाहता है और किस तरह के इमेजेस को अपने डिज़ाइन में वो अवॉइड करना चाहता है अच्छा ये तो बात हो गई कुछ ऐसी टिप्स के हवाले से कि जिनकी मदद से आप अपने डिज़ाइंस के लिए बहुत आसानी से रेलिवेंट और आइडियल इमेज़ को चूज़ कर सकते हैं अब कुछ बात करते हैं कि ये इमेज़ हमें बेसिकली मिलते कहाँ से हैं यानी कि वो सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हम बीइंग डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस के लिए फ़ोटोग्राफ्स हासिल कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एक तो ये तरीका है कि अगर आपको किसी क्लाइंट ने कोई असाइनमेंट दी और वो जो टॉपिक है वो कुछ इस किस्म का है कि आप खुद भी उसके लिए कोई पिक्चर खींच सकते हैं तो या तो आप कैमरा पकड़ें और ख़ुद से इमेज खींच लें या दूसरे केस में अगर आपके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है फैसिलिटी मौजूद नहीं है या फिर आपका टॉपिक कुछ ऐसा है कि उसकी एनवायरमेंट या उसकी हवाले से जो इमेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास एक्सेसिबल ही नहीं हैं तो फिर आप क्या करेंगे फिर डेफिनेटली आप फ़ोटो स्टॉक वेबसाइट्स का रुख करेंगे अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोटो स्टॉक वेबसाइट्स दरअसल क्या होती हैं दोस्तों इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमें मिलती हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया से रेलिवेंट फोटोग्राफ्स और इमेज़स के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं यानी कि उन वेबसाइट्स ने डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से इमेजेस को कंपाइल करके इंटरनेट पे हमारे लिए रख दिया है अब हम वहाँ से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आराम से अपने इमेजेस के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं चले बात करते हैं कुछ ऐसी ही वेबसाइट्स के हवाले से मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का बताता हूँ जो कि दुनिया के अंदर अच्छे इम्पॉटेंट फोटो स्टॉक वेबसाइट्स के तौर पर जाने जाती हैं दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने shutterstock.com का जो पेज है ये ओपन है shutterstock.com दुनिया की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली फोटोस्टॉक वेबसाइट है अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप गौर करें इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको वो ये पता चलेगी कि इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से इमेजेस को सेग्रीगेट किया गया है कैटेगराइज किया गया है आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाके इमेजेस देख सकते हैं यानी आपको यूथ के हवाले से अलग कैटेगरी के इमेजेस मिलेंगे आपको ओल्ड एज के लोगों के लिए अलग कैटेगरी में इमेजेस मिलेंगे इसी तरह लाइफ के अलग फैशन के अलग मेडिसिन के अलग और इंडस्ट्री के अलग कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में या रिक्वायर्ड कैटेगरी में जाके अपनी रिक्वायर्ड इमेज जो है वो उसको डाउनलोड करें और अपने डिज़ाइन के अंदर यूज करें दूसरी जो वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों वो है unsplash.com डॉट कॉम ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर फोटो स्टॉक वेबसाइट के हवाले से और इसके ऊपर भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे इमेजेस और फोटोग्राफ्स डाउनलोड करने को मिल सकते हैं एक और वेबसाइट में आपको बताता चलू पैगज डॉट कॉम इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे बहुत अच्छे इमेजेस मिलेंगे अच्छा ये जो वेबसाइट अभी हमने देखी हैं आपने गौर किया होगा कि ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे ज्यादातर इमेजेस यूनिवर्सल हैं यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए हैं अच्छा ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट फोटो स्टॉक वेबसाइट्स लेकिन यहां पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर ये तमाम के तमाम इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगे नहीं ये तमाम इमेजेस रॉयल्टी फ्री नहीं होते बल्कि होता कुछ यूं है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इमेजेस जो हैं वो आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होंगे जबकि कुछ ऐसे इमेजेस होंगे जो कि एक्सक्लूसिव होंगे और उनको हासिल करने के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको इन वेबसाइट से उनके राइट्स परचेज करने होंगे यानी कि उन इमेजेस को खरीदना होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आपने गूगल के ऊपर अपने टॉपिक से रेलिवेंट इमेजेस को और हाई क्वालिटी और अच्छे इमेजेस को किस तरह से जो है वो ढूंढना है